मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ चुकी है और तरह तरह की बातें इस समय की जा रही हैं। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार और पावर गैलरी के एडिटर दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, एक जो क्रिकेट का रोमांच था वो मध्य प्रदेश की राजनीति दे रही है इस समय। हम बिल्कुल उससे ज़्यादा दे रही है, क्योंकि यहाँ जो है राजनेताओं का रंग भी बदलते देख रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट में रंग बदलता हुआ नहीं दिखता और राजनीति में रंग का ही खेल है कि कौन किस रंग का है। वहाँ कम से कम पाला एक होता है। हाँ, पाला एक होता है और हमारी टीम एक होती है, लेकिन यहाँ तो क्या है कि आप कब दूसरे पाले में चले जाएँ पता नहीं लगता कि या कौन कहाँ जा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक लगातार जो नारायण त्रिपाठी, मैं दिनेश जी अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं, नारायण त्रिपाठी के लिए एक शब्द है थाली का बैंगन, लुड़कू, इस तरह के शब्द उनके लिए अब सोशल मीडिया पे जम के इस्तेमाल हो रहे हैं और वो इस तरह का परिचय भी बार बार देते रहते हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर अभी तक उनका करियर देखें तो नहीं, बिल्कुल देखिए क्या है कि राजनीति में अब उनकी स्थिति तो ऐसी हो रही जिन शब्दों का हम उपयोग नहीं कर सकते। अब कल भारतीय जनता पार्टी ने जो परेड राजभवन में कराई उसमें उनका नाम नहीं है, 106 लोगों के नाम है। अब उनके पास क्या विकल्प है, वो भारतीय जनता पार्टी में जाएं या कांग्रेस में जाएं? इससे कहीं ये लगता है दिनेश जी, आपको आपका तजुर्बा ये कहता है कि बीजेपी भी उन पर भरोसा नहीं कर रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर। आप देखिए कि उन्होंने जिस तरह से शरद कौल का नाम दिया, उन्होंने नारायण त्रिपाठी का नहीं दिया, क्योंकि जब खुद हमने अपना घर संभाल लिया कि हमें अपना जब इतना बड़ा दांव खेल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी कमजोरी को उसने समझ लिया है कि हम यदि इस तरह का करेंगे और हाउस फ्लोर क्रॉस करता है कोई एक भी तो मनोबल टूटता है। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों से अपने आप को बिल्कुल डिफेंस तैयार कर लिया कि एक विधायक जाता है हमारा तो जाने दीजिए। एक दिन जी, एक सवाल और था कि नारायण त्रिपाठी के बारे में कहा जाता है कि जो हनी ट्रैप कैसे उनमें उनका भी एक वीडियो जिसके कारण वो डरे हुए हैं, कमलनाथ उस वीडियो के कारण उनको दबाए हुए हैं, कांग्रेस से वो दबे हुए हैं, इस कारण ऐसा हो रहा है? नहीं, संभव है ऐसा हो, लेकिन इतना विवेक तो उनको होना चाहिए, राजनीति की समझ तो होना चाहिए। जब उन्होंने जो है कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज तो सरकार कल किसकी होगी ये भी दिखाई दे रहा है कि जो मौजूदा विधानसभा का गणित है उसमें जो है केवल आप ये अनुमान लगाना कि कमलनाथ कोई कमाल कर देंगे, कोई उनका मास्टर स्ट्रोक आ जाएगा, तो अभी फिलहाल होता तो जो मैं अपने मुझे अपने हिसाब से हाँ आ गया होता, क्योंकि इतना 3 तारीख से आज हम यदि 17 तारीख पर खड़े हुए हैं तो यदि आप 15 दिन में कोई कमाल नहीं कर पाए हैं तो अगले 48 घंटे में 50 घंटे में क्या कमाल कर लेंगे। तो ये नारायण त्रिपाठी को शायद उनका अपना कोई कैलकुलेशन होगा, अपनी कोई जिस तरह से मैयर वगैरह की बात करते हैं, ये भावनात्मक चीज़ें वहाँ की जनता भी समझती है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं, इसका कोई डेवलपमेंट से नहीं है। और अब तो उनकी स्थिति ये है कि वो वहाँ जाएंगे तो अजय सिंह को स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार वो अजय सिंह के कारण छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। आज आपने अजय सिंह का रुख भी देखा होगा कि वो जो है इसको बहुत कंसिडर करने को तैयार नहीं है कि आप नारायण त्रिपाठी को लें। तो अभी मतलब उनकी जो स्थिति है वो अब खुद उनको ऐसी दुविधा में फंस गए कि वहाँ भी जो जो घर था वहाँ से भी निकाल दिए गए और सामने वाला रखने को तैयार नहीं है, लेने को तैयार नहीं है, तो जाएं तो जाएं कहाँ। दिनेश जी, आपको एक बड़ा लंबा तजुर्बा है इस भोपाल में, तमाम सारे मुख्यमंत्री अगर मुझे जो याद आता है अर्जुन सिंह जी के बाद सारे आपने देखे हैं, कमलनाथ जी से चूक कहाँ हुई? बेसिकली उनके आचार व्यवहार से चूक हुई और अति विश्वास से, कि उनको शायद ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जो लोग हैं उन्होंने डेवलपमेंट देखा नहीं, वो अभी भी वो जो है 80 के पहले का मध्य प्रदेश है जब वो आए थे। अभी तक उनके दिमाग में जो 80 की छवि है जब वो मध्य प्रदेश आए थे कि गरीब था, पिछड़ा था, वो शायद अभी भी यही समझते हैं कि लोगों को यहाँ बड़े सहज सरल लोग हैं, आसानी से ये इनको ये बताया जा सकता है कि मैं कितना बड़ा पॉलिटिकली कहें तो मूर्ख बनाया जा सकता है, कुछ भी आप उसे कह सकते हैं, मूर्ख बनाना कह सकते हैं, भ्रमित करना कह सकते हैं, लेकिन ऐसा जो है अब बहुत पानी बह चुका है नर्मदा से, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब लोग समझते हैं कि राजनीति क्या है और राजनीति में जो है आप किस तरह की बात करें। यदि ऐसा नहीं होता तो 15 साल बाद शिवराज सिंह चौहान क्यों धोखा खाते कि वो जो है इतनी सारी सीटें उनको गंवाना पड़ी, इसका मतलब लोग जज करते हैं कि आप क्या हैं। लेकिन यहाँ जो है आपने जो एक राजनेता के लिए जो खासकर जब मध्य प्रदेश का कोई किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है, लीडर वो है जो संतुलन बना के रखे, लीडर वो नहीं है जो हिटलर बन जाए कि मैं अपनी ही चलाऊँगा। ये एक महत्वपूर्ण बात दिनेश जी कह रहे हैं कि लीडर वो है जो संतुलन बना के चले, लीडर वो नहीं है। आज एक बात, जब बागी विधायकों की बात आई, आज सारे के सारे सुबह प्रकट होते हैं अचानक और वो कहते हैं एक शब्द, उन्होंने लगभग सारे ही विधायकों ने एक शब्द का कि कमलनाथ जी कहते थे ऐसे हाथ लगा के चलिए चलिए, ये जो मतलब जिसको हम कहते हैं टरकाना या भगाना,
नहीं बेसिकली कि मतलब हो गया आप मतलब कहाँ हो, सुन ली हमने आपकी बात, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, ये नहीं चलता क्योंकि वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ वो एमएलए था, जो यदि वो 114 नहीं होते, आप 15 साल बाद लौटे हैं और एमएलए की बहुत सारी अपेक्षाएं जो वो करना चाहते थे क्षेत्र में, समय 5 साल कैसे निकल जाता पता नहीं है, यदि डे वन से स्टार्ट नहीं किया। इसमें मेरी कुछ विधायकों से आप भी जानते हैं, आपकी भी बातें होती हैं हमारी भी बातें, विधायकों ने कहा कि हमारे साथ बदतमीजी तक की है मुख्यमंत्री ने। नहीं ऐसा मैंने भी सुना, मतलब जिस तरह का हम मंत्रालय में वातावरण हमने देखा कि पहले ये होता था कि कोई भी आदमी जो है घंटे आधे घंटे मुख्यमंत्री से इंतजार के बाद सहजता से मिल लेता था, मुख्यमंत्री उसकी बात सुन लेती थी। दिग्विजय सिंह जी का आप दौर देखिए कि उन्होंने सांसद विधायकों के लिए टाइम रिजर्व कर रखा था कि आप जब भी आएँ मुलाकात हो जाए, मॉर्निंग आवर्स में सबसे मिलते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि आप मिलने का समय नहीं है, कि आप कब मुलाकात होगी ये तय नहीं है, आप प्रदेश के बाहर जा नहीं रहे हैं, आप कार्यक्रम कर नहीं रहे हैं, तो आप जो है इंटरेक्शन ही डायलॉग ही नहीं है आपके बीच में, आप फील्ड को नहीं समझ रहे हैं, वो विधायक की आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं, आप जो कांग्रेस का वर्कर है जो बहुत दिनों के बाद एक सरकार आई है उसको जो चाहिए वो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है, और उसका कारण ये कि कम्युनिकेशन नहीं है। दिनेश जी सच्चाई तो ये है कि इस समय तमाम जब सरकार में उथल पुथल शुरू हुई और सरकार डावाडोल हुई, अब आज की तारीख में कमलनाथ की सरकार अल्पमत में, तमाम कांग्रेसी लोग भी खुश हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो कहते हैं भैया जो है सरकार होने से तो अच्छा, जो स्थिति में हम थे अपमानित हो रहे थे उससे तो अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर थी, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं उनको दुख भी है अंदर से, लेकिन आप देखिए जो सम्मान की बात होती है जिसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा, हाँ, एक पात्र आप जो कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस पूरे एपिसोड में सबसे बड़े पात्र वही हैं जिसको हम एक चैरिस्मेटिक पर्सन कह सकते हैं, जो चमत्कारिक व्यक्तित्व हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, अगर वो कांग्रेस छोड़ के आए हैं तो बीजेपी में बने रहेंगे तो जो भी है सारा का सारा उनके इर्द गिर्द है, तो क्या कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पीड़ित थे, हताश थे, निराश थे इन सबसे? वो दो तरफ से पीड़ित हताश थे, एक तो जो सेंट्रल लीडरशिप है जो जिस तरह का उनका जो व्यक्तित्व है जिस तरह का आकर्षण उनमें है, वोटर बड़ा जो उनकी उनका क्राउड पुलर है वो, और उसके कंपेरिजन में जब हम गांधी फैमिली में देखते हैं तो वो वहाँ नहीं पाया जाता। दूसरा जब मध्य प्रदेश में हम ये देखते हैं कि उन्होंने ये लगातार देखा है अपने कि 40 साल इस पूरी राजनीति को हो गए हैं कि सिंधिया घराने का विरोध करते करते लोग मुख्यमंत्री बने हैं, बड़े पदों पर पहुँचे हैं। एक जो जैसे मुझे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मुझे कहा कि साहब ये गिरोह की लड़ाई है, कांग्रेस नहीं है यहाँ गिरोह हैं, तो यहाँ क्या है कि संगठित गिरोह जो है वो ये नहीं चाहते कि पॉपुलर फेस सामने हो, यहाँ ऐसा कोई नेता आए जो अपनी ईमानदारी के नाम से जाना जाता हो, जिसमें जो है जिस पर कोई दाग ना हो। तो आप लगातार राहुल गांधी के सामने, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो लड़ाई एक्चुअल लड़ाई थी वो थी एक साल बाद मुख्यमंत्री बदलने को लेकर शुरू हुई थी, जब आप याद करिए उस ट्वीट को राहुल गांधी के जिन्होंने कहा कि धैर्य और समय दो बलवान योद्धा हैं, तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1 साल का कमिटमेंट किया था कि 1 साल आप धैर्य रखिए हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन 1 साल बाद जब उन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया तो वहाँ से ये टकराव चालू हुआ। आप देखिए ना कि 1 साल तक आप पीसीसी अध्यक्ष भी नहीं बना पा रहे हैं, क्यों ये खुल के क्यों रखे हुए थे ऑप्शन? ये भी खुल के नहीं कह पाए कि हम राज्यसभा भी भेजेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, ये भी खुल के नहीं कह कभी। नहीं राज्यसभा की तो जो है वो कह भी देते हैं, लेकिन जो कमिटमेंट है भाई सीनियर लीडर जो है, आप यदि सेंट्रल लीडरशिप जो कमिटमेंट करती है आपको तो आप बदल नहीं सकते ना उसको। और आप देखिए कांग्रेस का बड़ा दुर्भाग्यजनक चेहरा जो ये है कि वो जो चेहरे हैं, अब हम ये देखते हैं भविष्य का कोई चेहरा ही नजर नहीं आता कांग्रेस पे। हमने तो देखा है कि 80 के दशक में आपको रुकूंगा, एक चेहरा बड़ा चेहरा कांग्रेस में है दिग्विजय सिंह, जो अपनी क्या कहना मतलब तिकड़म ही राजनीति के लिए जाने जाते हैं दिग्विजय सिंह साहब। और इस पूरे एपिसोड में भी अगर मुझे लगता है कि आम आदमी जो चर्चा कर रहे हैं उसमें वो एक खलनायक की तरह दिग्विजय सिंह को देखते हैं पूरे के पूरे एपिसोड में। देखिए अब राजनीति के तौर तरीके बदल गए, अब शायद वो तौर तरीके नहीं चल रहे जो दिग्विजय सिंह जिन पर हैं, क्योंकि एक जो है चौथी जनरेशन है आज़ादी के बाद वो एक अलग तरह से सोचती है, और जो कांग्रेस का जो मौजूदा नेतृत्व है वो सबसे कमजोर दौर में है, तो आप उसे आसानी से दबा सकते हैं। यदि ये इंदिरा गांधी के समय होता तो शायद नहीं चलता। तो वो जो स्थितियाँ हैं वो उसको आप खलनायक कहिए या कुछ भी, क्योंकि ये तो पूरा एक आप एक तरफ सिंधिया को रखिए, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस के जितने चेहरे आप ऐड कर सकते हैं उसमें डालते जाइए, तो ये लड़ाई सिंधिया वर्सेज ऑल है, तो उसमें दिग्विजय सिंह भी एक पार्ट है बेसिकली। जो कहता कहा जाता है कि जो है स्क्रिप्ट तो वही लिखते हैं बाकी लोग, तो आप बहुत सहजता से अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि स्क्रिप्ट वही लिखते हैं, लोग कहते हैं कि रायता वही फैलाते हैं।
नहीं, रायता फैलाने फैल जाता है वो बात दूसरी है, वो तो जो भी करते हैं। देखिए कभी भी जब हम रणनीति बनाते हैं तो उसमें ये मानते हैं कि इससे हमारी विजय होगी, लेकिन बहुत सारे कमज़ोर पहलुओं को जब हम अनदेखा करते हैं किसी रणनीति में तो फिर वो उसे कहते हैं रायता फैल गया। तो ये उस तरह से है कि कुछ चीज़ों को आपने अनदेखा किया, कमलनाथ जी के पार्ट को आपने नहीं देखा, या आप ऐसी चीज़ों में लग गए, जैसे मान लीजिए कि जैसे पूरा घटनाक्रम आप याद करिए, गुड़गांव के मानेसर से जब शुरू होता है तो आपको दो चेहरे मध्य प्रदेश में दिखते, एक जयवर्धन सिंह और दूसरा जीतू पटवारी। तो आप ये देखिए कि इतनी बड़ी सरकार है, इतनी कांग्रेस है, इतनी बड़ी सरकार है, तो जब आप जयवर्धन सिंह की एंट्री करते हैं तो नेचुरल कोर्स में ये माना जाता है, लोगों को पता नहीं क्यों शंका होती है दिग्विजय सिंह के हस्तकृत पर। मुझे लगता है वो कभी गीता पे हाथ रख के भी बोलेंगे तो शायद लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो राजनीति में विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण है, आपने बनाई है या खोई है ये आपके आचरण में दिखता है। तो लोगों को ना जाने क्यों शंका हुई कि ये जो है जयवर्धन सिंह को प्रोजेक्ट करने के लिए, ये इनका प्रोजेक्ट है बेसिकली, जो प्रोजेक्ट है। क्योंकि आप देखिए कि उसके बाद आके आप जो बार बार देखिए, बड़ा अजीब सी स्थिति है ये, बार बार आके मध्य प्रदेश में हर जगह ये हर नेता ये कह रहा है कि बेंगलुरु से लिया, बेंगलुरु से लिया। आप किस किस को लाए? आप रामबाई को लाए, उसने क्या कहा कि हमें बंधक नहीं बनाया। संजीव कुशवाहा ने क्या कहा? संजीव कुशवाहा ने क्या कहा कि हमको नहीं बनाया। आपने एदल सिंह कंसाना किसका आदमी है? ये दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक हैं, जिसने कहा उसको दत्ती गाँव तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आते हैं, लेकिन एदल सिंह कंसाना जिन्होंने छाती ठोक के कहा कि हमें कौन अपहरण कर सकता है, हमने कोई बंदी नहीं बना सकता। आप बिसाऊ लाल सिंह को लाते हो, उनको कहता है कि नहीं हमें किसी ने, हम अपनी मर्जी से वापस। तो आप मुझे बताइए, ये जो इसकी पृष्ठभूमि जब देखिए तो आप बेंगलुरु से ले भी आएंगे, ये तो कमलनाथ ने एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे इन लोगों की काउंसलिंग की, बात की, इसके बाद सीएम हाउस से निकलते माइक पे कह रहे हैं कि हमें किसी ने बंधक। तो ये जो रणनीति है, मतलब इससे पता लगता है कि आप उन विधायकों से ये भी नहीं कहलवा पाए कि ये भारतीय जनता पार्टी का कृत्य, और आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। तो इसे कहते हैं हम रणनीतिक चूक है, मतलब इतना आपने जो है एक्सपोज करने की कोशिश की लेकिन अपने जाल में फंस गए। अच्छा, एक चीज़ और है कि सारा ये एपिसोड चला सरकार अल्पमत में, ये इसमें मानने में मुझे लगता है कि आप कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। इसके बाद जिस तरह कमलनाथ जी ने प्रशासनिक सर्जरी शुरू की अचानक, के मोहंती जी का ये होगा, रेड्डी साहब चीफ सेक्रेटरी, शोभा ओझा महिला आयोग में, अभय तिवारी फला, ये जो हुआ है इसको किस तरह से देखते हैं जर्नलिस्ट के नाते? आप तो इसको जो है इतिहास में जाके जब देखेंगे, मुगल जब किसी पर चढ़ाई करते थे, वो किसी गढ़ी को जीत लेते थे या किसी किले को फतेह कर लेते थे, तो वो सैनिकों के सहारे छोड़ देते थे कि आवाम को आपको जितना लूट सकते हो लूट लो, किला तो हमारा है, बाकी जितनी यहाँ का जो राजकोष है वो हमारा है। तो शायद ये लड़ाई में जो लोग साथ हैं तो उनका इंतजाम करना उनका नैतिक दायित्व है। कमलनाथ जी अपने नैतिक दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं, और यही यदि पहले सोच लेते, ये जो आज नियुक्तियां कर रहे हैं, ये जिस दिन आपने 17 दिसंबर को शपथ ली थी, यदि आप जनवरी में से भी नियुक्तियां चालू करते तो आज एक एक साल लोगों को हो गया होता, अपनी अपनी फील्ड में जाता, अपना काम करता, पर बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। बहुत सारे लोगों को जो 15 साल की मेहनत का परिणाम मिल चुका होता, संतोष नहीं होता, तो वो नहीं है। अब आप कर रहे हैं तो हम यही कह सकते हैं कि वो तो जो इतिहास दोहरा रहे हैं। आप कमलनाथ जी की बॉडी लैंग्वेज लगातार देख रहे होंगे इस समय, आपको लग रहा है कि उनको ये अंदेशा हो गया है कि वो जाने वाले हैं? नहीं, वो तो सामने ही नहीं आ रहे हैं। आप देखिए इतना बड़ा एपिसोड मध्य प्रदेश में 10-15 दिन से चल रहा है, क्या उन्होंने एक जो है फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की कि सब मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूँ, एक डायलॉग करना। आप बाइट दे दें चलती गाड़ी में और ये कह दें कि मैं तो तब कर। देखिए एक चीज़ और जो इस महा जो बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि जिसको बहुमत सिद्ध करना है वो कंडीशन अप्लाई नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि कंडीशन अप्लाइड जब आप इनको लिया। तो ये जो बताता है, जब आप कंडीशन अप्लाइड करते हैं तो आपका पक्ष कमज़ोर है। कंडीशन अप्लाइड हम जब देखते हैं ना, जब कंपनियां लिखते हैं बहुत छोटा सा, हाँ दिखती नहीं है कि इसमें क्या कंडीशन है, तो इस तरह की चीज़ें चलती नहीं हैं। मतलब इससे लोगों को लग रहा है कि अजीब बात है साहब, विधायक किसकी जिम्मेदारी है? क्या राज्यपाल लेके आएंगे? क्या गृह मंत्री लेके आएंगे? कोई बच्चे हैं विधायक क्या? और आपने एक्शन क्यों नहीं लिया भाई? यदि आज बताइए कि आप जो है कुछ भी कहिए कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और उसकी राजस्थान में भी सरकार है, उसमें भी छत्तीसगढ़ में भी सरकार है, और भी जगह उनकी सरकारें हैं, तो आप भी पॉलिटिकल मूवमेंट चलाते ना, आप चले जाते गृह मंत्री के यहाँ, धरना दे देते, राष्ट्रपति को ज्ञापन दे देते। आप कितने असहाय हैं कि आप अपने विधायकों से आंख चुरा रहे हैं, आप उनके सामने नहीं जाना चाहते, आप बयानबाजी कर रहे हैं, आपने आप ही की। देखो यहाँ तो क्या है कि ऑन डिमांड चल रही है सारी चीज़ें जो है,
मतलब जैसे कहते हैं ना कि शह और मात का खेल, एक्चुअल जो राजनीति में होता है तो वही चल रहा है। आपने एक पात्र और हैं दिनेश जी, वो हैं लालजी टंडन साहब, बड़ा लंबा राजनीतिक तजुर्बा है उनके पास में, और वो भी उस राज्य से जो राजनीति का पुरोधा है, गढ़ है उत्तर प्रदेश। लालजी टंडन साहब की भूमिका को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं देखिए, जो उम्र के साथ पैर बड़े संभाल के चलने पड़ते हैं, अन्यथा क्या होता है कि हड्डी टूटने का अंदेशा बना रहता है और रिकवरी बड़ी स्लो होती है। तो वो देखिए कि बड़े संभल के चल रहे हैं। मैं जो उनका पर्सनली जो उन्होंने का जो आचरण है, मैं ये देखता हूँ बिल्कुल संवैधानिक दायरे में है। जब ये सवाल खड़ा होता है कि विधानसभा में अभिभाषण होना चाहिए, ये संवैधानिक बाध्यता है, वो तैयार होते हैं। यदि उन्हें तैयार नहीं होना होता, संविधान की परवाह नहीं होती, तो कहते पहले फ्लोर टेस्ट करिए आप, उसके बाद मैं अभिभाषण देने आऊँगा, वो भी कंडीशन अप्लाइड कर देते। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन किया, वो भाषण देने गए। उन्होंने उनके तरीके पर, हो सकता है कि आपने शुरू से होते थे, बहुत सारे उदाहरण अन्य राज्यों में मिल जाएंगे, जो साउथ के जब गवर्नर मध्य प्रदेश में पोस्ट होते थे तो वो जो है वो भी इसी तरह का, एक लाइन ऊपर पढ़ते थे, एक नीचे पढ़ते थे, लेकिन पढ़ा हुआ माना जाता था कि आपने पढ़ा। और उन्होंने जो है सदन में बैठ के संदेश दिया और एक आग्रह किया। इसके बावजूद यदि आपने हाउस एग्जॉन कर दिया, उन्होंने अपनी तरफ से आपको हर संभव मौका दिया कि आप जो है अपना निर्णय करें, आप अपने विवेक से सोचें। जो विवेक विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तेमाल किया वही उनका विवेक था। इसके बावजूद उन्होंने जो है आए, फिर एक पत्र लिखते हैं कि आप 17 को कर लीजिए। वो लगातार जो है ये कह रहे हैं कि जो राज्यपाल जो कर सकता है वो करता है। मुझे एक चीज़ बताइए, व्यवहारिक पहलू में बताइए कि कल को इस तरह की अल्पमत की सरकारें हों, देखिए अलग अलग विषय हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के सरकार गिराने के आचरण पर सवाल हो सकता है, लेकिन यहाँ जो मौजूदा स्थिति है कि कल को कोई अल्पमत की सरकारें इस तरह से राज्यपाल के निर्देशों का जो है अनदेखी करने लगी कि हम नहीं करते बहुमत से, तो फिर क्या वो जो है आप मुझे बताइए कि मतलब इसका मतलब तो ये है कि हमारे पास लोकतंत्र है नहीं, और तो हमने आप तंत्र की हम कल्पना नहीं, हाँ मतलब अब आप पे जो बने हम नहीं छोड़ रहे सरकार, अब आपको जो बने तो करिए। ये भी ठीक नहीं है राजनीतिक दलों के लिए, इससे जो आपका जो पब्लिक फेस होता है वो थोड़ा सा बिल्कुल साफ सुथरा नहीं रहता। लोग जो आप कह रहे हैं, लोग भी आज जिनसे बात हुई सब यही बात कर रहे थे, जब राजनीतिक शुचिता की बात आती है तो फिर आचरण भी उस किस्म का होना चाहिए। अब कुल मिला के लुब्बू लुबाब क्या लगता है, कमलनाथ मुख्यमंत्री रह पाएंगे या कमलनाथ की रवानगी तय हो गई है? देखिए जिस तरह का अभी तक का सीन है, जो मैं कह रहा था बीच में बात अधूरी रही, ऑन डिमांड खेल चल रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। आपने एक गवर्नर को चिट्ठी लिखते 13 तारीख को, शायद लोग भूल जाते हैं कि ये फ्लोर टेस्ट की नौबत आई क्यों, फ्लोर टेस्ट आया कहाँ से, कि मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूँ, तब कंडीशन अप्लाइड नहीं थी, है ना, तब आपने कहा कि कर, फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर एग्री हो गई कि हाँ फ्लोर टेस्ट कर लीजिए। तो गवर्नर ने, जब दोनों महत्वपूर्ण राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट करा लीजिए, तो उन्होंने एक पत्र लिख दिया। इसके पहले 12 तारीख तक गवर्नर यहाँ नहीं थे, उन्होंने कोई जो है इंटरवीन नहीं किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। इसके बाद जो है उन्होंने 14 तारीख की रात को भेज दिया कि आप फ्लोर टेस्ट करा लीजिए। लेकिन आप जैसे ही होता है तो आप लिख देते हो कि साहब ये आप स्पीकर को अधिकार नहीं थे। अरे भाई ये जो सरकार है, वैसे उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, हाँ मैं वही पे कह रहा था, ये जो सरकार है उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को नहीं कहा। एक जो सामान्य प्रक्रिया है, सब जानते हैं इस देश में जो भी पढ़ा लिखा है, कि सरकार बनाने के लिए आप राज्यपाल के पास जाते हैं, आपके पास बहुमत नहीं होता, आप समर्थन देते हैं कि समर्थन, वो कहता है फ्लोर टेस्ट करा लीजिए। अब यदि जो एक देखिए मुख्यमंत्री का पद वगैरह, जैसे संविधान में भाषा जो उपयोग की जाती है वो ये प्रसाद स्वरूप दिया जाता है आपको, मतलब राज्यपाल ने अपनी सलाह के लिए प्रसाद स्वरूप आपको मुख्यमंत्री बना दिया, मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी गवर्नर है। यदि उसे अपने मंत्रिमंडल पर संदेह है कि मैंने जिन व्यक्तियों को ये जिम्मेदारी सौंपी है ये जो है बहुमत में नहीं है, तो वो उनको फिर से अपनी शंका का निवारण कैसे करेंगे? या आप फ्लोर पर जाइए, उसने उन्होंने यही तो कहा कि आप, मेरी शंका है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पास बहुमत नहीं है। फिर ये आप ये कहें कि साहब 16 विधायक नहीं है मेरे, तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, आप ले आइए। आप सरकार में हैं, आप जो है अपना फोर्स भेजते, डीजी भेजते, एडिशनल डीजी भेजते, बटालियन भेजते, कंपनी भेजते, कुछ भी भेजते, उठा लाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि उनको बंधक बना के रखा, और तो आप उठा लाते हैं। आपने एक भी FIR किसी जगह ने, क्योंकि परिवार वाले सब समझते हैं, सारी राजनीति सब समझ रहे हैं, रोज बात कर रहे हैं, पूरी रोज बात कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि इनकी बात में नहीं आ रहे, तो आप टालने के लिए जो समय लेने की बात है कि हम कितना समय ले लें, जितना खींचेंगे मामला तो शायद उसमें कुछ टूट जाए, कुछ ठंडा हो जाए, तो ऐसा है नहीं। अभी जो मौजूदा स्थिति है वो 16 विधायकों को ये अपनी पार्टी का विधायक मान रहे हैं, और वो जो हैं वो कह रहे हैं हम तो इस्तीफा दे चुके,
हम नहीं हैं आपकी पार्टी के विधायक। तो जो ऐसी स्थिति है, अंडर प्रोसेस जो चीज़ होती है, मतलब आप इस्तीफा अंडर प्रोसेस है, तो आज आपने बहुमत सिद्ध कर दिया और अगले पल आपने इस्तीफा स्वीकार कर लिया, तो फिर गवर्नर कहेंगे क्या? तो अंडर प्रोसेस चीज़ को जो सस्पेक्टेड होती है उसको एक साइड रख दिया जाता है। ये मान्य सिद्धांत है कि जो संदेह वाली चीज़ है उसको इसमें इंक्लूड मत करिए। तो उन्होंने उठा के एक साइड रख दिया कि ये 16 एक साइड रखिए, अब आप फ्लो टेस्ट करा लीजिए। तो 16 आएंगे, आप ले आइए, तो आपके पक्ष में मतदान कर दें, नहीं आएंगे तो जो है एबसेंट हैं, जो सदन की संख्या है उसके हिसाब से। आपका पत्रकारी ज्ञान क्या कहता है इसमें, कमलनाथ जी चल पाएंगे या कहानी? जो अभी तक की जो परिस्थितियाँ हैं वो कमलनाथ जी के पक्ष में दिखाई नहीं देती। और अल्टीमेट जो हम पुराने इतिहास कर्नाटक वगैरह के देखते हैं तो फ्लो टेस्ट फाइनल वही है अभी जो है। और जिस तरह से मतलब कमलनाथ दिग्विजय उनका ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोग जिस तरह से अड़े हुए हैं उसमें नहीं लगता कि वो वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ जो है अब सम्मान पर आ गई, जो लड़ाई सम्मान से चालू हुई थी अब जो है वो भी सम्मान पर है। और आप दूसरे पक्ष में उनकी ये चिंता का विषय भी था कि यदि हम कांग्रेस में भी रहे तो कौन उनका समर्थन करेगा, कोई नहीं करेगा। और मध्य प्रदेश कांग्रेस का की जो स्थिति है उसमें तो उनको लगता भी नहीं है कि वो भविष्य में जीत सकेंगे, उनके पास ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। अब जो कारण वही है कि आपने कोई डेवलप ही नहीं किया। एक नेतृत्व को हम 80 के दशक से 2020 तक झेलते आ रहे हैं, आप अर्जुन सिंह जी से लें, श्यामा चरण जी से लें, लेकिन आज राजनीति फिर भी 40 साल बाद वही है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। जो आप याद करिए कि 92 में जब मुख्यमंत्री बने थे, 93 में दिग्विजय सिंह जी, तब भी यही लोग थे। तो अब वो वही स्थिति अभी है। इस दौरान आपने देखिए एक भी नया चेहरा जिसका जो है प्रदेश व्यापी कोई प्रभाव हो वो देखा नहीं है। कांग्रेस ने अपनी लोकप्रियता कम की है, अपने नेता कम किए हैं, अपनी पकड़ कम की है, उनके छत्रप नहीं है। आप यदि ग्वालियर चंबल संभाग में आप जाइए कि सिंधिया के मुकाबले कौन है उनका, आप मालवा में जाइए कौन है, महाकौशल में ले दे के जो कमलनाथ हैं जो पूरे महाकौशल के नेता नहीं है। आप जो है दिग्विजय सिंह जी को भी देखेंगे तो उनके पास भी जो है जो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बार बार आती है कि क्रेडिबिलिटी। मतलब कुल मिला के अपन देखें लब्बू लबाब तो कमलनाथ जी संकट में थे, संकट में अभी भी संकट है। जब और कल जो है 10:30 बजे डिस्कशन कोर्ट में जब डिबेट होगी, आर्गूमेंट होगा, उसके बाद मुझे लगता है कि पूर्व उदाहरणों के आधार पर वापस फ्लोर पर भेजेंगे और फ्लोर में वही सीन है जो आज है वो शायद 48 घंटे बाद भी रहेगा। आप सुन रहे थे दिनेश गुप्ता जी को, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उन्होंने एक बड़ी रोचक बात कही कि कमलनाथ कुछ कमाल कर पाएँ ऐसी संभावनाएँ तो दूर दूर तक फिलहाल नज़र नहीं आ रही हैं। अनुराग उपाध्याय, दखल न्यूज़, भोपाल। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।